इस वक्त मैं पुनपुन के बकपुर गांव में हूं। आप देख सकते हैं गांव की स्थिति क्या है। पुनपुन नदी का जो पानी है वह पूरे गांव में घुस चुका है। आप देख सकते हैं कि सामने जो घर आपको दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल, यानी जो नीचे का तल्ला है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वह बिल्कुल पानी में डूब चुका है। लोग जिनके पास सेकेंड फ्लोर है वह सेकेंड फ्लोर पर शरण लिए हुए हैं, और जिनके घर एक ही तल्ला का है वह ऊपर बांध के तरफ जाकर शरण लिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुनपुन नदी जो है वह खतरे से ऊपर बह रही है, और उससे अब लोगों के दिल में डर समा गया है, लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। ये बताइए, आप अपने घर को छोड़ के कहाँ रह रही हैं? अपना घर के छोड़ बांध पर रह रहे हैं, बांध को चाट में रह रहे हैं। बाले बच्चे, छोटा छोटा बच्चा है, सबको लेकर रहे हैं। और बच्चा का खाना पीना? बच्चा के बिस्कुट विस्कुट खिला के रख रहे हैं। आपका घर भी पूरा डूब गया? हाँ, डूब गया। तनि जाके देखते ना, उन्हें देखते था ना, एकदम मट्टी के घर एकदम दब गया। सब लेकिन बाहर सब बाहन पर अगोर रहा है। तो मंत्री जी आ रहे हैं? नहीं, कौन आ रहा है। खाने पीने का कैसे कर रही है? आज आए कल ले तो आज पक रहा है सब खाना पीना। कैसे खा पी रही हैं आप? ऐसे भूखे पे अगर मरते ही ला बांध पड़ा गोर ले ही लाया। आप कौची करे बांध देख देख सब भाग ले ले गए, लेकिन पकड़ के ले के वही सब खिला भी थी ला बिस्कुट वो सब ला के। आप कौची करे जान ना गोई था ना गैस ना गोसी है कुछ ना पाया ना खर्ची की है। कौची करे, डर लगता है पानी को देखकर? सांप और सांप आता है तो डर लगता है, पानी के देख के डर लगता है। घर गिर गया है तो ऐसा ही बांध के चाट में। क्या बता रही थी? कह रहे मचान में सब सांप ढूक रहा है, सब घर गिर गया ना तो सब वो के तले तले सांप मरा रहा है। हाँ, सब चढ़ रहा है। तनी देखिए, तनी भीतर जाके देखिएगा तारा के कैसन, तनी कैसन समझ में हम निके है। दूसर के दरवाजा पर बैठ के दिन काट रहे, रात के बरखा बरखेगा तो ऐसे रहता है। ये लोगों की परेशानी है। पुनपुन नदी उफान पर है। पुनपुन नदी का जो पानी है, नदी के किनारे जितने भी गाँव हैं वह पानी, यानी पुनपुन नदी का पानी पूरे गांव में फैल गया है और लोगों को अब डराने लगा है। साथ ही लोगों की परेशानी भी काफ़ी बढ़ गई है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पुनपुन, न्यूज़ 24।